दिल्ली सरकार की सख्तियों को लेकर केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ अब आम आदमी पार्टी एक बार फिर सड़कों पर उतर चुकी है। वहीं आम आदमी पार्टी के कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज ने शुक्रवार 30 जून को पार्टी मुख्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अध्यादेश के खिलाफ सड़क पर विरोध करने की विस्तृत जानकारी दी थी और उन्होंने कहा था कि केंद्र सरकार के काले अध्यादेश के खिलाफ अब आम आदमी पार्टी सभी विधानसभा में अध्यादेश की प्रतिक्रिया जलाकर अपना विरोध प्रदर्शन जाहिर करेगी। इसी कड़ी में आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं छतरपुर विधानसभा की, जहां पर आम आदमी पार्टी के विधायक करतार सिंह और निगम पार्षद सुंदर तंवर के नेतृत्व में यहां पर देखिए किस तरीके से विरोध प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। काले अध्यादेश के खिलाफ जो है अब आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता और विधायक हैं वो सड़कों पर उतर चुके हैं। तस्वीरों में देखिए किस तरीके से ये विरोध प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से काले अध्यादेश के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। साथ ही साथ जो काला अध्यादेश है उसकी कॉपियां और उसका एक पुतला जो है वो दहन किया गया, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर देखिए किस तरीके से जो निगम पार्षद हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, सुंदर तंवर यहाँ पर मौजूद हैं और खुद विधायक करतार सिंह, और यहाँ पर देखिए सैकड़ों की तादाद में ये सभी लोग जो है यहाँ पर छतरपुर विधानसभा में इकट्ठा हैं और यहाँ से ये पुतला दहन जो है आगे ले जाकर पुतला दहन जो है वो किया गया। काले अध्यादेश के खिलाफ जो ये पुतला दहन है वो किया गया, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से जोरदार जो प्रदर्शन है वो होता हुआ नजर आ रहा है। आप देखना होगा कि काले अध्यादेश के खिलाफ जो प्रदर्शन किया जा रहा है क्या वो वापस लिया जाएगा। आरसून की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही फेसबुक और डेली हंट पर आरसून न्यूज को जरूर फॉलो करें। आरसून न्यूज के लिए आप देख रहे हैं राहुल की रिपोर्ट। आज आप लोग फिर सड़कों पर निकले हैं, क्या कारण है? देखिए आज हम दिल्ली की जनता के अधिकारों के लिए सड़कों पर उतरे हैं। आप सभी को मालूम है, आप सभी मीडिया से साथी हैं हमारे, किस तरह से केंद्र सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किस तरह से दिल्ली की जनता के अधिकारों का हनन किया है। दिल्ली की जनता ने बहुत ही एक बहुमत, भारी बहुमत देते हुए तीसरी बार अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया है। 2015 में जब बहुत भारी बहुमत की सरकार बनी तो केंद्र सरकार ने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने सारे जो अधिकार थे मुख्यमंत्री को उनको छीन कर एलजी को दे दिया था। उसी के खिलाफ कोर्ट में गए, 8 साल की लंबी लड़ाई के बाद आदरणीय माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने वो अधिकार वापस दिल्ली के मुख्यमंत्री को दिए और कहा कि ये दिल्ली की जो पोस्टिंग है, सर्विसेज है, अधिकार हैं, ये दिल्ली के मुख्यमंत्री के होते हैं, ना कि एलजी के। और बड़े दुख की बात है कि अभी एक सप्ताह भी नहीं हुआ था पूरा, जो अधिकारी काम नहीं करते थे, जो सरकार की बात नहीं मानते थे, जो फाइलों को दबाकर बैठे हुए थे, उन्होंने दिल्ली के हक में, दिल्ली की जनता के लिए काम करना शुरू कर दिया था।
लेकिन केंद्र सरकार ने एक तानाशाही का फैसला लेते हुए एक अध्यादेश केंद्र सरकार लेकर आई, जिसको हम काला अध्यादेश कहते हैं। और दोबारा से वो सारी शक्तियाँ जो मुख्यमंत्री को आदरणीय सर्वोच्च न्यायालय ने दी थी, वो वापस एलजी के पास भेज दी है। इसी के खिलाफ आज पूरी दिल्ली की जनता, सभी 70 विधानसभाओं में आम आदमी पार्टी का एक कार्यकर्ता सड़कों पर उतरा है और उस अध्यादेश की प्रतियां और पुतला जलाया गया है। हम केंद्र सरकार को बताना चाहते हैं कि दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल जी के साथ है। आप इस तरह से जोर जबरदस्ती करके आप दिल्ली की जनता को अरविंद केजरीवाल जी से अलग नहीं ले जा सकते। वो दिल्ली की जनता के दिलों में बसते हैं और दिल्ली की जनता के लिए काम करते हैं। एक एक व्यक्ति के लिए आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है। सुप्रीम कोर्ट पे हमें पूरा भरोसा है। सुप्रीम कोर्ट के हर फैसले का, किसी भी कोर्ट के फैसले का आम आदमी पार्टी जो हमेशा सम्मान करती है। और उन्होंने ये फैसला अरविंद केजरीवाल के पक्ष में नहीं दिया था, ये फैसला उन्होंने मुख्यमंत्री के पक्ष में दिया था। दिल्ली की चुनी हुई कोई भी जो सरकार होगी दिल्ली में, उसके सरकार के पक्ष में दिया था। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि केंद्र की बीजेपी की सरकार ने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने वो अध्यादेश लाकर वो सारी शक्तियाँ वापस सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट दिया। तो हम उसके खिलाफ आज सड़कों पर आए हैं और पूरी दिल्ली की जनता, सभी 70 विधानसभाओं में आज अपना विरोध केंद्र सरकार के खिलाफ और काले अध्यादेश के खिलाफ दर्ज करा रही है।